Thank you. First class, all good, all good. Indian Pro Music League. बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी सारे थोड़ी बहुत शूटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सारी टीम्स फुल फोर्स में सबके साथ मिलकर इतना खुशी हो रहा है, क्योंकि पिछला एक साल जो ये लॉकडाउन कहें या फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ मिलने का, तो आज सबके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर टीम में हमारे सारे जाने पहचाने सिंगर्स दोस्त हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मज़ा बरकरार रहेगा जब तक ये शो चलेगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत बहुत एक क्रिकेट लीग की तरह म्यूज़िक का ये लीग हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी कॉम्पिटिशन वाली माहौल तो होगी ही, वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल एक कॉमराड्री, एक दोस्ती, एक सब, एक सबका एक साथ होने का ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और किस टीम को सपोर्ट करूं? अपनी टीम को, बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स हल्ला बोल, ये हमारा वॉक राय है। कैप्टन है, कैप्टन की जिम्मेदारी है आपको सेफ्टी क्या करेंगे, किस तरह से तैयारी? नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस फॉर्मेट में पहली बार इस तरह का एक म्यूज़िक शो हो रहा है, जहाँ ज़्यादातर हम लोगों, मतलब यंगस्टर्स को जज करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार उनको मेंटोर करते हैं, लेकिन या उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी परफॉर्म करना है, और काफ़ी सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं सबके सब अपने अपने सिंगिंग में इतने समाल कमाल गाते हैं। हमारे बंगाल पंजाब अब एक हुआ है जी, बिकॉज हम शुरू से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आज फिर हम एक साथ जुड़े हैं, और बहुत प्यारा शो है। आई थिंक इंडिया का सबसे पहला इतना बड़ा शो है जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स एक साथ मिलेंगे, और सभी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई को भी है, तो हम भाई रहेंगे, लेकिन स्टेज पर हम भाई नहीं रहेंगे, स्टेज पर हम भाई भाई रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब से तेरे नैना, क्या बात, मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। तो ये कंपटीशन रहेगा, अब मैं शान को बोलूंगा ये गणपत चल दारूला, ये गाएंगे। लो भाई, ये तो मैं गणपत चल एबीसीडी पढ़ ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, जो मैं अमूमन नहीं करता लेकिन गाना गा रहा था। अरे भाई, जब हम हाथों में हार लेके चले, हो गया ये दिल दीवाना। क्या बात, तो मेरी तैयारी यही चल रही है कि मैं इन सबके गाने गाऊंगा। लीजिए अब तो जी, नहीं एक्चुअली क्या, किसी बात की एकदम तय तक जब तक ना जाए उसके बारे में कुछ कहना ये थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबल बात हो सकती है, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को एग्जैक्टली क्या, कहाँ मुद्दा कहाँ फंसा हुआ समझने की, लेकिन मैं ऑनेस्टली अब तक उस बात को समझ नहीं पाया हूँ, तो आई थिंक इट्स बेस्ट के ऐसे हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मतलब काफ़ी ठंड भी है दिल्ली में है, तो उनको पूरे पंजाब का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, बिकॉज वी आर बिकॉज ऑफ फार्मर्स, हमारे किसान जी, तो सपोर्टिंग हमारी हमेशा ही है, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी इस सिलसिले को लेके, सो जल्द से जल्द प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये ठीक हो जाए, जैसे कोविड जा रहा धीरे धीरे ये चीज़ भी जाए, हाँ हाँ हाँ, उससे भी जल्दी जल्दी। आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन है, किस तरह से तैयारियां सारी चल रही हैं पंजाब
टू बी वेरीफाई, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शान की टीम में जाता, लेकिन अब क्या करूँ। मेरी टीम में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, एक असीस कौर है और रूपाली जग्गा है और एक नया न्यू कमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके अलावा एक और हैं पंजाब से, तो ये सारे सरप्राइजेज हमने रखे हुए हैं। आपकी टीम में बताइए कौन कौन। जी, मेरी टीम में आकृति कक्कर हैं और ऋतुराज मोहंती हैं, और तो बहुत एक्साइटिंग, हर टीम में हर खेमे में बहुत ही धुरंधर तैयार सिंगर्स हैं और लाइव सिंगिंग कॉम्पिटिशन होगा, बहुत मज़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाने को किसी अलग तरह से प्रेजेंट करने का ये मौका मिला है, तो ऐसा नहीं कि जो गाना है उसे वैसे ही हम गाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें अपना तड़का लगाएंगे, तो इसमें एक क्रिएटिव चैलेंज भी है जो हमें करना है, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादातर रियलिटी शोज में हमेशा जजेस आपने देखे हैं, तो ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें हम कैप्टन हैं और हमारे साथ भी दूसरे लोग भी हैं, जावेद अली जी हैं और कैलाश भाई हैं, अंकित तिवारी हैं, सो फुल मस्ती होने वाली है, फुल मज़ा आने वाला है। उनको यही कह रहा था कि पहली बार सब एक साथ हुए हैं, हाँ। और उस जोश और में हम भूल ही गए कि कोई कंपटीशन है। आपको लगेगा कि आप कहीं वेगस में पहुंच गए, इतना ब्यूटीफुल सेट है, मैंने पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सेट देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतरराष्ट्रीय संगीत की अगर बात करें तो आप भारतीय संगीत को किस स्तर पर देखते हैं? अब हम देख रहे हैं इस मंच पे, हम भारत में जितने भी बड़े कलाकार संगीतकार देख रहे हैं और हमें इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इंडियन म्यूजिक को कहां देखते हैं? देखो, शुरुआत तो अगर आप 12,000 साल पहले अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी हिंदुस्तान सबसे आगे है, तो म्यूजिक में भी हम आगे हैं, हमसे ही सब लोग सीखते हैं और सीख के आज हिंदुस्तानी जो है वो पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं। कहा जाता है कि हर पांचवा इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है, तो जहाँ जहाँ और हम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो हमारी म्यूज़िक भी हमारे हर एक जो हिंदुस्तानी बंदा है जहाँ जहाँ है, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आर म्यूज़िक। और साथ साथ बॉलीवुड का म्यूज़िक इस तरह का है कि उसमें हम हर ट्रेंड, हर स्टाइल को अपनाते हैं, तो हमारे इस शो में जैसे हिप हॉप या ब्लूज़, जैज़ ऐसे भी राउंड्स होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो गाने हैं उसे हम वर्ल्ड म्यूज़िक के स्टाइल में भी प्रेजेंट करेंगे। गाने तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के होंगे, हिंदी होंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइल्स विल बी यूज्ड। देखो, मैं शान भाई को कभी टक्कर नहीं दे सकता, बिकॉज मैं इनका फैन भी हूँ और इनका छोटा भाई भी हूँ, बट क्योंकि ये कंपटीशन है और बहुत अच्छा शो है, इतना अच्छा मंच है, सो एट द एंड हम चाहते हैं कि भाई सुर की ही जीत होनी चाहिए, म्यूजिक ऊंचा रहे हमारा, तो यही हमारा नारा है। नहीं बिल्कुल, और जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो मिका बाजी के सामने कोई जितनी भी तैयारी करके आए ना, कॉन्फिडेंस में थोड़े हिल जाते हैं हम लोग, एंड वो मैं उनसे सीखूंगा, और आई एम श्योर जैसे उन्होंने कहा म्यूजिक शुड बी द विनर। हमारे अलावा सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, बंगाल से ये हैं, सो ओवरऑल फुल मस्ती और फुल धमाल होने वाला है। और हमारे हैंडसम जो बॉबी पाजी हैं, उसके अलावा सलमान भाई तो है ही हैं। जी जी, हमारे साथ गोविंदा जी हैं, राजकुमार जी हैं, श्रद्धा जी हैं, सो इट्स वंडरफुल वंडरफुल। ऐसा ना कभी पहले हुआ है, ना आइंदा तो होगा, क्योंकि हर साल ही होगा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा शो नहीं हुआ है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ आईपीएमएल। सो थैंक्स टू जी टीवी के, इतना अच्छा इन्होंने मंच अरेंज करा है हम सबके लिए, सो आई एम श्योर कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी तड़का इन बंगाली स्टाइल, सुपर्ब, बांग्ला भी होगा और भांगड़ा भी होगा। अमित मागा खूब बालो बाशी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।